देखो इसको किमे तोड़ने बेचारे कदे किमे ले जाना चोरी ना करो इसके लिए। हाँ, कोई सामान चोरी किया अभी तक? भाई इस आदमी की शिकल देख लो, अगर यो भाई किते भी मिला है तो इसकी चाय पानी की और हर एक जिस काम में आप विश्राम करो खाना पानी व्यवस्था हो जाए। हेलो भाई, वाक्य में जज्बा है छोरे में? छोटी बात थोड़ी बताता जी, अपने खेत ही पाक बैठ जाए। भारत माता की जय। तो भाई दोस्तों, देशभक्ति का जुनून है जो, वो न्यू नहीं मेरा किस में पैदा हो जाए। गौर से देखिए इस शख्स को, जो पूरा देश भ्रमण के लिए निकल लिया एक छोरा। भाई रोक दे, देखो भाई बहुत मतलब देशभक्ति का जज्बा। काड़ू भाई, वाक्य में देख छोरा कमाल कर रहा है, तिरंगा यात्रा। तो क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम राजपाल कुमार है। राजपाल कुमार जी, कहाँ से चले हैं आप? पटना बिहार से। पटना बिहार से जी। तो हम देख सको भाई, सर्दी गर्मी धूप बरसात उष्मक और निकलता होया साइकिल पे तिरंगा यात्रा पूरे भारत की। भाई ये जो यात्रा आप साइकिल पे चले हैं करने के लिए, क्या इरादा लेकर के निकले और कितना चले थे, कहाँ से चले थे? देखिए मेरा नाम राजपाल कुमार है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और मैं पटना बिहार से अपना यात्रा को शुरू किया था 28 नवंबर 2023 को। अच्छा। और अभी तक मैं यहाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुँच चुका हूँ। लगभग 272 दिन हो चुका मेरा। अच्छा। साइकिल चलाते हुए तो कितना किलोमीटर, इसमें कोई रीडिंग भी लगा रखी है क्या किलोमीटर की? नहीं, एक छोटा सा मीटर लगाया था, वो घिस गया। वो घिस गया, वो घिस गया। इतना किलोमीटर चले राजपाल भाई के वो मीटर ही घिस गया? नहीं नहीं, वो मीटर में ऐसे तो मैं बता सकता हूँ लगभग 30 से 32 हज़ार किलोमीटर हो गया। 30 से 32 हज़ार किलोमीटर। काड़ू भाई, वाक्य में जज्बा है छोरे में? छोटी बात थोड़ी बताता जी, अपने खेत ही पाक बैठ जाए। उद्देश्य क्या है भाई आपको? उद्देश्य भैया देखिए, मेरा ये था कि पूरा भारत घूमना, भारत के हर एक राज्य में देखना कि कल्चर सब कैसा है, मतलब लोग का रहना खाना पीना, गांव कैसे कैसे है। जिस गांव में आप विश्राम करो खाना पानी व्यवस्था हो जाए? हो जाता है, कभी कभी होटल में भी खाते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपने घर पे भी इनवाइट कर देते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं, तो कल्चर वगैरह देखने का मौका घर में और दूसरे राज्य में कैसा खाना लोग खाते हैं ये सब भी देखने को मौका मिल जाता है। अच्छा, सब तो प्यारे मानस कितने लगे? देखिए हर एक देश के सभी लोग तो अच्छे ही हैं, भारत देश के पूरे लोग अच्छे ही हैं, लेकिन 100% तो नहीं हो सकते हैं, कुछ 1-2% तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा ये। इसमें चुनौती क्या क्या आई आपको, जैसे पूरा साजो सामान लेके निकले हो आप, रात को कहीं धर्मशाला वगैरह ना मिले तो उसकी उसमें कहाँ रुकते हो? तो मेरे पास टेंट है। अच्छा। स्लीपिंग मैट है। ओके। तो अच्छा जगह देखते हैं, वहाँ पे कैंप कर लेते हैं, रात में उधर सो जाते हैं। अकेले ही निकले हैं घर से आप? हाँ। एक आधी बार नो भी बनी इसके वजह, इस तरह टेंट लगाई सोयो कंधा सीसा उठा ले गए हो गए? कोई सामान वगैरह किसी ने कोई सामान चोरी किया अभी तक? नहीं, वही मीटर चोरी किया था। अच्छा, वो चोरी हो गया? हाँ, वो नहीं तो तोड़ के नहीं, उसको लगा वो कोई महंगा डिवाइस है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, 2-3 सौ रुपया का था। ये बताइए भाई साहब, कितना खर्चा आया आपको? मैं तो घर से 4,000 लेकर के चला था, बाकी सारा सामान बस, और बाकी तो और ऐसा कभी भी जरूरत नहीं पड़ा कि घर से पैसा मंगाना पड़े या कुछ ऐसा नहीं। बीच में तो जिस तरह अगर कोई भी साथी अगर देना चाहो तो आप ले लेते हो? हाँ, कोई लोग दे देते हैं तो उसे हम होटल में या तो धर्मुजी ने आपकी देख दी बता दी थी, अगर सहयोग लेते हो तो धर्मुजी अपनी तरफ से 1100 रुपया देंगे आपने? हाँ बिल्कुल देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे। देव काड़ू भाई आप दे दो, एक के बात में ट्रांसफर कर दूंगा मैं बाद में। फिर भी बड़ा आदमी कोई बात नहीं जी, हमारे जीजा जी है भाई की तरह। गुलगुल पे भी है क्या? सेकंदर है टायर? कितनी बार बदलवाए भाई टायर? दो बार टायर बदलवाने पड़े। तो इस यात्रा को कहाँ से लेके शुरू करके कहाँ समापन कहाँ हुआ इसका? पूरा भारत का हर एक राज्य, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, हरियाणा के अंदर बड़े फेमस चेहरे हैं धर्मू और करमू, इन दोनों पहले तो थक करण और अब तो हाँ मेरी हमको लगा फिर अरे दानवीरों में पहले नाम तो थक करण का और अब धर्मू जी का नाम आता है। जब भी कोई आदमी देखता है तो उनकी आत्माएं भटक जाती है। काड़ू भाई उनका मुकाबला तो नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात को नहीं ले रहा दे थोड़े बिल्कुल भाई न्यू एटोल पाम देने को नहीं, वह कम से कम एक देशभक्ति का काम है वाला। आपने पहले ही कह दी थी जी। हाँ ले भाई तो ले निकाल लिया भाई, और ये एक टायर का और के लिए। हाँ, एक टायर का प्रबंध हो गया है। धन्यवाद भाई।
बहुत बढ़िया मेरे भाई, बस हंसी मजाक का ही तो है, देख इंजॉय हो गया, तन्ना भी हंसना जरूरी है, ठीक है ले भाई। राजपाल ये आपके अकाउंट में जा चुके हैं 1100 रुपए का प्यार भरा सहयोग है, ये समझ रहे हो पूरे हरियाणा की तरफ से है ये। जी जी धन्यवाद, ये पूरे हरियाणा की तरफ से आपको वेलकम भी है और सहयोग भी है, और इसी तरह से पूरे भारत को एक श्रेष्ठ भारत एक भारत करने के लिए। एक बात और बता दे, अगर इसका कड़ा कड़ा होगी लिखड़ा को कौन सी जगह होके जाएगा, कहाँ कहाँ से जाओगे? इधर से होते हुए मैं जयपुर राजस्थान के जयपुर का कई दिन करा है। हाँ है, तो बहुत सारा चीज चलते चलते रास्ते में पता। भाई आदमी की शिकल देख लो, अगर यो भाई किते भी मिला है तो इसकी चाय पानी की और हरेक डाल की व्यवस्थाएं करनी भाई, और यो पूरा भारत को भ्रमण करा, इसके साथ कोई भी सी घटना नहीं, कदे कोई इसको किमे तोड़ दे बेचारे, कदे किमे ले जाना, चोरी ना करो इसके, इसकी मदद करो, चोरी चक्का काम छोड़ दो, मेरे हरीफ तो छोड़ दो, बुढ़ा हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, संसार क्रांति समूह की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफर की। एक मैसेज भी देना चाहेंगे, जैसे हम मैसेज लेकर के ये चले कि पेड़ बचाएं, और जहां अगर काटते हैं पेड़ तो पेड़ लगाएं भी, मेरा इसके बाद भी मेरा उद्देश्य वही है। और कहीं घूमने वाले जगहों पे जाते हैं वहां पे कचरा ना फैला, जैसे कि मैं बहुत सारे जगह पे जाता हूं वहां पे देखता हूं बोतल प्लास्टिक ये सब रहता है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आप दूसरे का कचरा तो नहीं उठा सकते लेकिन अपना कचरा उठा कर रख सकते हैं, जिस तरह से लाते हैं उस तरह से लेके जा सकते हैं, नेचुरल जगहों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। गांव कौन सा आपका? मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट और गांव फतेह। कितना भाई बहन हो भाई? भाई बहन दो और भाई हैं मेरे। वो क्या करते हैं? वो लोग पढ़ रहे हैं। स्टडी कितने की पढ़ाई? मेरा ग्रेजुएशन हो गया। अच्छा कौन से कॉलेज से? मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। स्वाद जरूर लेंगे, ये हरियाणा की तासीर है। ठीक है, चलो भाई भाई ने बहुत बढ़िया संकल्प लेकर अगर राजस्थान की ओर बता दो, कोई भी साथी अगर मिला है ले ये भाई की तरफ से है, ठीक है, ये इसको भाई अमेरिका में रहे, ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, जय हिंद जय भारत। चलो ठीक है भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो भाई इसी संकल्प के साथ के पूरे भारत को एक बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसी तरह से होना, युवा आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के विकसित भारत का निर्माण होगा। और ये नारे मारे आपने, किसी का कॉपीराइट नहीं कदम नहीं सोचा है। ठोको शेर, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।